अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज का लेसन है कि हम स्टॉक मार्केट में सेफ कैसे खेलें। देखिए, स्टॉक मार्केट एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, जाहिर है, बैंक्स के मुकाबले में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के मुकाबले में, जहां अपना पैसा रखते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन होती है, कैपिटल प्रोटेक्शन नहीं। लेकिन यही इस मार्केट का मज़ा है कि जब रिस्क ले रहे हैं तो रिटर्न भी ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा। कि बैंक्स वैंक्स जो हैं, आप उधर पैसा रखवा रहे हैं, आजकल की मैं अगर बात करूं तो 6% 7% रिटर्न आपको दे रहे हैं, जबकि स्टॉक मार्केट ने पिछले 8 दिनों में 10 दिनों में 15-20% रिटर्न दे दिया। तो सोचें, एक साल में 6% रिटर्न मिल रहा है, 15-20 दिनों में 15% रिटर्न मिल रहा है, 20% रिटर्न मिल रहा है, दैट्स टू मच। इवन सम स्टॉक्स ने 40% रिटर्न भी दिया जस्ट इन 15 डेज, और आप 6% जो है वो एक साल में कमा रहे हैं। एनीवेज, अगर आपको सेफ खेलना है ना स्टॉक मार्केट में, तो एक एडवाइस दी जाती है लोगों को, आपने कई बार सुना भी होगा ये, ओनली इन्वेस्ट इन ब्लू चिप कंपनीज। ब्लू चिप कंपनीज में आप इन्वेस्ट करें। अब लोग पूछते हैं कि सर, मैंने सुन तो लिया कि ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करें, ब्लू चिप कंपनीज क्या होती है? देखें, ब्लू चिप कंपनीज जो होती है ना, ब्लू चिप स्टॉक्स जो होते हैं, वो होते हैं हाईली रिप्यूटेबल कंपनी, जिनके ऊपर पब्लिक का एतमाद, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है। उनकी प्राइसेस में मैनिपुलेशन, वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि उन कंपनीज की एक रेप्यूटेशन इंडस्ट्री में, वो होती हैं यूजुअली सेक्टर्स की रेप्यूटेबल कंपनीज, लाइक HBL, हबीब बैंक लिमिटेड, क्या एक ट्रस्टवर्दी रिलायबल इदारा है, उसको स्टॉक मार्केट ब्लू चिप स्टॉक कहती है। PSO, ट्रस्टवर्दी रिलायबल इदारा है, ब्लू चिप स्टॉक कहती है। लकी सीमेंट, ट्रस्टवर्दी रेप्यूटेबल इदारा है, ब्लू चिप स्टॉक। इनमें वॉलेटिलिटी कम है, मैनिपुलेशन कम है, और कुछ भी है, ये कंपनीज की एक साउंड मार्केट में जो है ना एक आवाज़ है। इनकी शेयर प्राइसेज अगर मार्केट कंडीशंस की वजह से गिरेंगी भी ना, बहुत ज़्यादा फॉल नहीं आएगा। जितना भी फॉल आया ना, ये अपनी जगह पे वापस ज़रूर आएंगी। जबकि जो चलते फिरते स्टॉक्स हैं ना, चलती फिरती कंपनीज़ हैं, उनके बारे में आप ये अश्योरेंस नहीं दे सकते कि एक बार स्टॉक प्राइस गिरी तो वो कभी वापस भी अपनी जगह पर आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर PSO की अगर, या चले लकी सीमेंट की शेयर प्राइस 1100 रुपये से 300 रुपये हो गई, लकी सीमेंट की शेयर प्राइस 1100 रुपये से 300 रुपये हो गई, तो क्या लकी सीमेंट की फैक्ट्री कहीं चली गई? लकी सीमेंट का बिजनेस कहीं चला गया? नहीं, वो रेप्यूटेबल कंपनी अपनी जगह पर खड़ी हुई, बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसी मार्केट हालात नॉर्मल हुए, वापस जम मार गई प्राइस। सेम गोज विद HBL, सेम गोज विद HBL की शेयर प्राइस आधी भी हो जाए तो बैंक थोड़ी कहीं गया। तो अगर आपको सेफ खेलना है, तो बेटर ये है कि आप ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, रेप्यूटेबल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि वॉलेटिलिटी से भी बचें, और अगर इनकी प्राइसेस नीचे भी हुई ना, तो ये अपनी जगह पे वापस ज़रूर जाएं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये ब्लू चिप स्टॉक्स का मतलब समझ में आ गया। कीप वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। Yeah.